हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भावों में कि हमें तेरहवीं का भोजन खाना चाहिए या नहीं। मेरे से सवाल छोटे छोटे आप लोग ही करते हो, तो मैं संतों और जो महात्मा को सुनता रहता हूँ उससे मेरा बुद्धि विवेक जो जागृत होता है, उनकी कृपा से मैं आप सब तक अपनी वाणी द्वारा जवाब पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ, थोपता नहीं हूँ। आपको अच्छी लगे तो अपना ये, जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ, नहीं लगे तो भूल जाइए। ना भड़काता हूँ ना भटकाता हूँ, सीधा अपनी हरि की ओर लेके जाता हूँ, क्योंकि दास का परिचय श्री हरि का दास दीपक। तो जो भी दास को पहली बार सुन रहा है, दास का ये YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ऑल वीडियो के साथ, ताकि आप भक्ति मार्ग में अपडेट रहें मेरे साथ। तो बात करते हैं कि क्या हमें तेरहवीं का भोजन खाना चाहिए या नहीं। हाँ तो मित्रों, आप तेरहवीं पर अक्सर किसी ना किसी के घर में जाते होंगे, जैसे कि मैं भी जाता हूँ, और कभी ना कभी क्या अक्सर आप खाते होंगे, क्योंकि पहले मैं भी अक्सर खाता था जब तक मैं अज्ञानी था। ध्यान दीजिए, मैंने अपने भी बोला, जब तक मैं अज्ञानी था मुझे पता नहीं था कि तेरहवीं खाने का किसको अधिकार है। तो ये बात समझ लीजिए, बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ, जो इंसान किसी के घर में जाकर वहाँ की तेरहवीं खाता है, अर्थात भोजन करता है, चटकारे लगा लगा के पूरी नान जो जो तेरहवीं में बनाते हैं वो खाता है, तो मेरे मित्रों मेरे भाइयों, उस दिन उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। तेरहवीं खाने का अधिकार किसी भी आम इंसान को नहीं है। तेरहवीं की जो ज्योत अग्नि जलती है वो भी दुख की होती है, जो साग सब्जियां बनती है वो भी उसके घर के दुख रूपी, क्योंकि उसका उसकी माँ आपके पिता बीवी बच्चे ना जाने कौन गए, वो दुख में खिला रहा है, वो दुख की अग्नि जल रही है, वहाँ दुख की रोटी बन रही है, वहाँ दुख की नान बन रहे हैं, वहाँ दुख की सब्जियां बन रही है। जैसी इसकी सामर्थ्य होती है वो वैसा बनाता है, क्योंकि जो आए होते हैं उनको भोजन खिलाना चाहता है वो भी बुद्धिहीन होता है, क्योंकि तेरहवीं का भोजन मरेगा खिलाया भी नहीं जाता। इसलिए जो आप इतने चटकारे लेके बढ़िया से पूरी नान वहाँ पे जो भी साग सब्जी खाते हैं अपने, उस दिन आप पुण्य नष्ट करके आते हैं। श्री कृष्ण ने महाग्रंथ में साफ साफ कहा है विदुर जी से कि जो किसी के दुख का भोजन करता है उसका उस दिन पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ तेरहवीं का जो भोजन खाने का अधिकार है उन ब्राह्मण को है, उनको लगाया मैंने, जो कर्म कांडी मतलब पूजा पाठ कराते हैं उनका नहीं, जो कहने को इनके पीछे सरनेम शर्मा या चतुर्वेदी जो भी है लगता है, जो कर्म कांडी जो ये भक्ति भाव में हो, जिन्हें शास्त्रों का वेदों का ज्ञान हो, जो पूजा पाठ के कर्म कांड वगैरह कराते हैं उन्हीं को अधिकार है, अर्थात हर किसी को अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण देवताओं को ही अधिकार है तेरहवीं का भोजन करने का। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, क्या ही करते हैं कि 12 कर लेते हैं, क्या ही कहते हैं कि 21 कर लेते हैं। यहाँ समझने का विषय, मेरे घर में भी मेरे कुल में भी अज्ञानता बहुत है, हमारे कुल में भी हमारे बड़े में भी अज्ञानता बहुत है, अपनी अपनी बहुत चलाई है, और जब से मैंने कुछ बात रखी ना उनको क्या होगा ना झटपटाट सी हो गई। पहली बात, तेरहवीं में कम से कम 13 ब्राह्मण को जिमाना चाहिए, 12 जो 12 ब्राह्मण जिमाते हैं गलत है, 13, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इस धरती पर, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए आत्मा को यहाँ से सयमनीपुरी जाने में 1 वर्ष लगता है, ठीक है, इसलिए हर महीने की खुराक उस तक पहुंचती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सयमनीपुरी जिसे कहते हैं यमपुरी जाने का एक समय होता है, वहां तक जाने के लिए हमें सारा भोजन जो भी हम यहाँ पे ब्राह्मण को खिलाते हैं, हर महीने जो भी हम उनके नाम का तर्पण करते हैं, वो उस आत्मा को उसके जो यमपुरी का रास्ता है, यमपुरी जाने में जो उसको भोजन चाहिए वो वहाँ तक उसे मिलता रहता। वरना अगर आप उनका क्रियाक्रम ढंग से नहीं करोगे, उनका जो अंतिम संस्कार ढंग से नहीं करोगे, उनका तर्पण ढंग से नहीं करोगे, हर महीने जो भी उनके नाम की भोजन देनी होती है ब्राह्मणों को वो नहीं करोगे, तो उनको यात्राएं मिलेंगी। मैंने बताया था ना कि हमें मरने के बाद एक शरीर मिलता है, जो हम घर में तेरहवीं तक जो भी प्रक्रिया करते हैं, उस जो आत्मा मर गई है, जो शरीर मर गया उसके लिए, उस आत्मा के सफर के लिए उससे उसका शरीर बनता है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं या यातना शरीर भी कहते हैं, और यातना शरीर जब ऊपर पहुंचता है यमपुरी में, तो उसको स्वर्ग के हिसाब से स्वर्ग का नया शरीर मिलता है, नरक के हिसाब से नरक का नया शरीर मिलता है, और पितृलोक के हिसाब से पितृ अलग शरीर मिलता है। जैसे कि मैंने बताया पितृ कौन होते हैं, जिन आत्मा को दोबारा जन्म होना इसी धरती पे, उन्हें स्वर्ग नरक कहीं नहीं आना, सीधा धरती पे आना है, तो उसके हिसाब से उनका वेटिंग रूम होता है पितृलोक।
ठीक है जी, मैंने बताया था वहाँ के जो राजा हैं आर्यामा जी हैं, ठीक है, जो कि श्री कृष्ण की एक विभूति है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, हम इंसान है ना, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, उसे संतों को सुनता हूँ, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हमें जो अधिकार है तेरहवीं खाने का, सॉरी जो तेरहवीं खाने का जिनको अधिकार है वो श्री वर्ष श्री ब्राह्मण देवता है। 12 नहीं 13, क्योंकि 3 वर्ष में 1 मास मल मास का भी आता है जिसे कहते हैं अधिक मास। ये अधिक मास वही है जिसमें श्री विष्णु जी ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लिया था और उसका हिरण्यकश्यप का वध किया था, संहार किया था। तो आप ये समझ लो क्योंकि उसने ऐसे वरदान मांगे थे ना, ब्रह्मा जी की बनाई, दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना ऐसे मरूंगा ना वैसे मरूंगा, ना उनके बनाए किसी मंथ में मरूंगा। तो श्री हरि ने, वो तो अलग ही दिमाग रखते हैं, जिसका हल कहीं नहीं वो श्री हरि के पास है। तो उन्होंने एक अधिक मास का निर्माण किया जो कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में नहीं था, इसलिए ना दिन में मारा ना रात में मारा, बल्कि दहलीज पर रख के बीच में नखूनों से फाड़ दिया, किसी हथियार से नहीं फाड़ा नरसिंह भगवान ने, ठीक है, किसका, हिरण्यकश्यप का, जो कि भक्त प्रहलाद के पिता थे। तो ये बात एक समझने वाली बात है। तो इसलिए 3 वर्ष में 1 महीना अधिक मास होता है, जिसमें साल की जिसकी 24 एकादशी होती है, और 3 साल में 2 एकादशी बढ़ते हैं तो 26 एकादशी होती है। और इसी के ऊपर एक अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, अगला वीडियो, किसी ने मेरे से पूछा कि अब व्रत ना रखने से हमें पाप लगता है जी, इस बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप यहां समझ लीजिए 13वीं खाने का अधिकार और सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण देवता को होता है जो कि इसके अधिकारी हैं। कम से कम 13 ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, आपकी बाकी सामर्थ्य 15 जिमाओ 21 जिमाओ, कम से कम 13। आपको अच्छी राय बताइए, अपना मनमाना मत करो, जवान के चटकारे में मत जाओ, समझे। आज हिंदू जो भटक रहा है ना, अपनी ही बुद्धिहीनता के कारण भटक रहा है। कुछ पूर्वज जो अपनी गलत नीति बना गए ना, उन्हीं को फॉलो कर रहा है, जबकि साधु संत हैं। आज भी संतों को सुनो, साधु को सुनो, वो आपको नई दिशा देंगे, पता चलेगा कि ये कर्म कांड धर्म के कैसे किए जाते हैं। मैं सुनता हूँ, मैं भी भटका हुआ था, मैं कौन सा बोल रहा हूँ मैं नहीं भटका था, मैं तो आज भी भटका हूँ, लेकिन श्री हरि की कृपा से आज प्रभु की ओर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, और उसी भाव को सुनकर आप मुझसे जुड़ते हो, मैं आपको फिर जगाने का काम करता हूँ। फिर बोलता हूँ, ना भटकाता हूँ ना भड़काता हूँ, सीधा अपनी हरि की ओर लेके जाता हूँ ताकि आपका बुद्धि विवेक भी जागृत हो जाए। इसलिए 13वीं ना खाई जाती ना खिलाई जाती, सिर्फ और सिर्फ उन पे अधिकार ब्राह्मण देवता का होता है जो कि कम से कम 13। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सोच को आज फिर दास द्वारा एक नई दिशा मिले, मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक। फिर बोल रहा हूँ, हिंदू को भटकाने में किसी का हाथ नहीं है, तुम खुद अपनी गलत नीति के कारण भटक रहे हो, इसलिए देवी देवताओं से निकल कर तुम वहां जाके माथे फोड़ लो जिनका सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है। एक बार चलते चलते ये बोलूंगा, आप जो हिंदू धर्म को त्याग करते हो, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हो ना, और देवी देवताओं का पान करते हो, उन पे चुटकुले बनाते हो, और ठीक है ठाके लगा लगा के हंसते हो, तो याद रखना तुम्हारे पाप जाग गए हैं और तुम्हारा अंत बड़ी जल्दी होगा और बड़ा गंदा होगा अगली योनि में जन्म। याद रखना सनातन धर्म परम था, सनातन धर्म परम है, और सनातन धर्म ही परम रहेगा, क्योंकि ना इसका आदि है ना अंत है, ये सदा था है और रहेगा। जगा रहा हूं हिंदुओं, अब भी जाग जाओ, धर्म को पहचानो, श्री हरि की शरण में आओ, उद्धार निश्चित है, भवसागर पाल लगाएंगे, ये कुछ श्री हरि ने कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरी शरण में आता है मेरा हो जाता है, फिर अर्जुन उसका पतन नहीं होता, अर्थात वो फिर योनियों में नहीं गिरता, उसका जन्म फिर मानव देह में होता है। मैं अपनी भक्ति करवाता हूँ ताकि फिर वो उसको मैं अपने साथ अपने गोलोक वैकुंठ धाम जहाँ ले जाना होता ले जाता हूँ। जहाँ ले जाना मैंने क्यों बोला है, कोई राम की भक्ति करके साके धाम जाता है, कोई नारायण जी की भक्ति करके वैकुंठ जाता है, कोई कृष्ण की भक्ति करके गोलोक जाता है। इसका मतलब जिस रूप में वो हरि को मानता है उसी लोक में चला जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना, वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, उम्मीद करता हूँ शब्द बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे, एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। और अगला वीडियो है, क्या हमें व्रत ना रखने से पाप लगता है, और अगर व्रत रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, व्रत और उपवास में क्या फर्क है, लेकिन एक सवाल आया कि व्रत ना रखने से पाप लगता है, जरूर अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ दास की बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास कर राधे, राधे श्याम सीताराम। दोस्तों कृपया लाइक कमेंट्स और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हर सनातनी दास के साथ भक्ति मार्ग पे अपडेट रहे।